press the bell icon on the YouTube app and never miss an अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्यों दबंग वकील नाजिया अली खान जी अपने ही मजहब के ठेकेदारों और इन शांति दूतों पे भड़क गई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। उसी मस्जिद में जहां पर औरतों का जाना मना है, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 2019 से एक बेचारी बच्ची, जिसमें मेरा भी पिटीशन टैग है, सर्वोच्च न्यायपालिका में केस लड़ रही है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस लड़ रही है कि हमें भी जाने दिया जाए। और उस मस्जिद के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को ना तोड़वाने के लिए नापाक मुसलमान महिलाओं को मस्जिद के अंदर एंट्री दे दी गई, क्योंकि हमारे अल कुरान के हिसाब से हम मुकम्मल पाक नहीं होते, हम नापाक होते हैं। इसीलिए हमारे इस्लाम और अल कुरान के हिसाब से कोई भी प्रॉफिट महिला नहीं है। जैसे आप में दुर्गा माँ है, काली माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, और आप लोग उसके डिगोटी होते हो, आप लोग उनके चरणों पे पुरुष भी, सनातनी पुरुष भी फूल डालते हैं, उनकी पाठ पूजा करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, पर हमारे में एक भी प्रॉफिट महिलाएं नहीं है हमारे अलकुरान के हिसाब से। तो जब महिलाएं मुसलमान औरतें जब नापाक होती हैं, प्रॉफिट नहीं होती हैं, तो फिर भाई जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां पर मस्जिद बनी हुई थी तो वहां पर क्यों चले गए बचाने के लिए, क्यों भेज दिया महिलाओं को? तो इस्लाम 1450 साल से महिला बचा रही है, मुसलमान महिला, इसको कोई माने या ना माने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीबी खतीजा के पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें मेरे दर्शकों के सामने रखती हैं नाजरी, तो बहुत सारे नए खुलासे भी करती हैं, क्योंकि लोगों को कुरान के अंदर क्या लिखा है ये पता नहीं है। जो मुल्ला मौलवी टीवी चैनल्स पर बैठकर लंबे लंबे भाषण देते हैं, लोगों को लगता है कि वैसा ही है इस्लाम, लेकिन आप एक नए नजर से बताती हैं कि वहां पर दरअसल महिलाओं को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, क्या उनकी स्थिति है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि ओवैसी के मामले में उनकी संसद की सदस्यता रद्द भी हो सकती है? राष्ट्रपति के पास इस वक्त जो पिटीशन गई है विष्णु जैन की तरफ से, उसमें ये सब भी हो सकता है या नहीं? मैं पहले वो मस्जिद वाले पर एक एडिशन करना चाहूंगी कि देखिए, जरूरत पड़ने पर उन्होंने एक अवैध निर्माण को रोकने के लिए महिला मुसलमान महिलाओं का सहारा ले लिया और मस्जिद अल्लाह के घर में, जहां पर मुसलमान महिलाएं बिल्कुल अबैंडेड थी कि नहीं जा सकती हैं, उनको खड़ा कर दिया। आपको पता है मस्जिदों के अंदर कोठा और चकला भी बनता है? मैं समझी नहीं। 17 जून 2024 में 24 के दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक इमाम साहब थे जो मस्जिद के अंदर रहते थे और नमाज पढ़वाते थे, अजान देते थे, उसके बाद फिर शहादत का कलमा खुद भी उठाते थे और दूसरों को भी उठवाते थे, और मेंबर पर खड़े हो करके, हमारे यहाँ जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं नमाज पढ़ाने के लिए और पीछे पूरी सफ खड़ी होती है, पूरे लोग खड़े होते हैं, उनको उनको नमाज पढ़वाते थे। उन्होंने उनके यहाँ उनके घर पर, उनका नाम रिजवान है, उनके घर पर एक 10 साल की बच्ची आती थी दीनी तालीम लेने के लिए। उस 10 साल की बच्ची का पिछले 2 महीने से वो शोषण कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, और उनकी वाइफ रिजवाना वीडियो शूट करती थी। ये खबर मैंने देखी, तो मस्जिद, लेकिन इस तरह की खबरें देखने के बाद मतलब उनका जिक्र करने में भी कोफ्त होती है नाजिया जी, समझ नहीं आता है कि क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, क्योंकि इस हद तक, मतलब आप सोचो, दीनी शिक्षा लेने के लिए बच्ची आ रही है और उसको क्या शिक्षा दी जा रही है, कैसे उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, और महिला उसमें इन्वॉल्व है, मौलाना की पत्नी इन्वॉल्व है, और उसने जो, मैं तो चाहती हूँ कि मतलब जो बातें मौलाना की पत्नी कह रही है पूछताछ के दौरान, वो भी बड़ी शर्मसार करने वाली है। तो मतलब आप सोचिए कि इस तरह की घटनाओं पर क्या बोला है? नहीं, बोला मतलब ये जाएगा कि मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ मुसलमान मर्दों में जिहादी पैदा नहीं होते या बलात्कारी पैदा नहीं होते, मुसलमान औरतें भी जिहादन और चकला कोठा वाली पैदा होती है। मैंने तो हमेशा ये बात कही है,
मैंने हमेशा, अभी मैं 4 दिन दिल्ली में थी, वहां पर कई स्पीचेस में मैंने ये बात कही है कि जितनी भी सनातनी बेटियां हैं वो मुसलमान लड़कियों से दोस्ती ना करें, और खास करके अगर वो लड़कियां जो हिजाब में हैं उनसे बिल्कुल दोस्ती ना करें, क्योंकि वो कब आपको बेचेंगी, कौन से लश्कर तैयबा और अजमेर मुजाहिदीन से आपको जुड़वा देंगी, वो कब आपका धर्म परिवर्तन करवा देंगी, वो कब आपको कहां पर जाकर के बिक्री कर देंगी, आपके आपके फरिश्ते को, आपके भगवान को भी पता नहीं चलेगा, और वो आपका आपका कार्यक्रम को अंजाम दे देंगी। तो अब मुस्कान क्या थी, लश्कर तैयबा की वो स्लीपर सेल थी, आज गायब हो गई ना, आज तो नहीं आती है, वो मैटर जग का थक लगा हुआ है। तो सिर्फ मुसलमान पुरुष में जिहादी या बलात्कारी नहीं होता है, मर्डरर नहीं होता है, मुसलमान हिजाबन महिलाएं जिहादन होती हैं, ये मानना पड़ेगा। और सनातनी माओं को अब अपनी अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ अब्दुल से नहीं बचना है, अब अब्दुल्ली से भी बचना है, सिर्फ रिजवान से नहीं बचना है, रिजवाना से भी बचना है। अब मैं आपके सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब देती हूं कि देखिए, मुझे 1% की भी उम्मीद नहीं है कि सर्वोच्च न्यायपालिका मेरे पिटिशन पर या विष्णु जैन जी के पिटिशन पर कोई इमीडिएट कार्रवाई करके 5 साल के लिए असदुद्दीन अवैसी की सदस्य को सांसदी को वो वैनिश करेंगे या खत्म करेंगे या एक्सपेल करेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, हम 2 लोग खड़े हुए हैं, हम 2 लोग इस पर पिटीशन डाल चुके हैं, हम 2 लोग प्रेसिडेंट ऑफ भारत को एक ग्रीवियांस लेटर दे चुके हैं और उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे एफर्ट के साथ साथ भारत के सभी नागरिक को जिनको ये बात एंटी नेशनल स्टेटमेंट लगी है उनको अब खड़ा होना पड़ेगा और धड़ल्ले से सही तरीके से 295A सेक्शन पर FIR असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ करवाना पड़ेगा। अब मैं एक चीज और एडिशन करना चाहूंगी कि यह दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का। ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि MIM की जो पार्टी ऑफिस है दिल्ली में, उसके जो प्रवक्ता हाजी रंगरेज जो बैठते हैं नेशनल न्यूज पर, वो क्लास 9 पास है, सिर्फ क्लास 9, उन्होंने 10 भी नहीं किया है। तो जो दिल्ली के लोग जो MIM के समर्थक हैं, जो MIM के सपोर्टर हैं, वो बेचारे दिल्ली के मुसलमान जो MIM को बहुत सपोर्ट करते, उनको मैं ये याद दिला दूं कि जो प्रवक्ता हाजी रंगरेज है वो सिर्फ क्लास 9 पास है, अगर उसके कलेजे में ताकत है तो वो अपने क्लास 10 की डिग्री दिखा दे, मुझे दिखा दे हाजी रंगरेज अपने क्लास 10 के डिग्री। द सेकंड थिंग इज कि असदुद्दीन अवैसी का प्रवक्ता दिल्ली का हाजी रंगरेज ओखला से और कहां कहां से जो ईटे के जो मकान बनते हैं जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में, वहां से कितने तोले उठाता है, आई हैव द एंटायर डिटेल्स, और ये लोगों ने मुझे दिया है, मुझे जनता ने पहुंचा करके इस बार दिया है कि दीदी ये लीजिए, और आप इसको बताइए कि ये जाहिल दिल्ली के मुसलमान जनता का ये नेता बना फिर रहा है हाजी रंगरेज, जो क्लास 9 पास है सिर्फ, जो 10 भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता को सामने आना पड़ेगा और उनको 295A सेक्शन पर, इस एंटी नेशनल स्टेटमेंट पर, ये भारत विरोध करने पर अवैसी के खिलाफ 5 लाख FIR करवाओ, ताकि उसको समझ आए कि गलत किया। बिल्कुल, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मतलब सनातनी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे बैठता है जो सेकुलर जमात के पेट में दर्द करती है, तो आप देखिए कांग्रेस के नेता किस तरह से पूरे देश से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं कि अर्णब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था और तब कहा था कि एक जगह क्लब करो। तो जब वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, तो जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर खड़े होकर ओवैसी ने जो हरकत की है, भले उसे एक्सपंज कर दिया गया है लोकसभा की कार्रवाई से, लेकिन वो सब कुछ लोगों ने लाइव देखा है, तो उसके मद्देनजर इस तरह की FIR दर्ज होनी चाहिए ओवैसी के खिलाफ। इस तरह के लोगों को सबक देने की सख्त जरूरत है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाए उन लोगों के बीच में जो इस तरह की हरकतें करने के लिए जाने जाते हैं और करने की सोच रहे हैं।
नाजिया जी, इस विषय पर आपने जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय संविधान, जय भीमराव अंबेडकर जी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया अली खान सबसे पहले मजहब के ठेकेदार ओवैसी पे भड़क गई, जो कि संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे तो लगा सकता है, पर जब भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलना होता है तब ओवैसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और देखा आपने नाजिया खान जी जो कि शांति दूतों पे भी भड़क गई, जो कि इस्लाम के हिसाब से ये कहते हैं कि औरत का मस्जिद में जाना गैर इस्लामी, पर जब इलीगल मस्जिद को गिराना होता है तब औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं। और जैसे कि आपने देखा दबंग वकील नाजिया अली खान जी ने हिंदू बेटियों को भी नसीहत दी कि वो ना सिर्फ रिजवान से बल्कि रिजवानों से भी दूर रहें। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।